Assalamu alaikum friends, hope you all are fine. Today we will discuss interchemistry chapter number 2 in organic. Chapter number 2 हमारे पास है hydrogen. So friends, interchemistry का part 1 in organic का chapter number 1 हम already discuss कर चुके हैं. Chapter number 1 कौन सा था? Periodic classification, जो हम already discuss कर चुके हैं. आज हम discuss करेंगे chapter number 2. Chapter number 2 हमारे पास है hydrogen. तो hydrogen क्या है और hydrogen को कोई period, group और block क्यों नहीं मिला? तो so friends, आज हम इसको detail में discuss करेंगे. डिस्कस करने से पहले आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें. सो फ्रेंड्स, ये क्या है हमारे पास हाइड्रोजन. ना तो इसको कोई ग्रुप मिला है, ना कोई इसको पीरियड मिला है और ना ही कोई इसको ब्लॉक मिला है. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन जो है वो अलग थलग रखा हुआ है, जबकि तमाम एलिमेंट्स को अपना अपना ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप मिला हुआ है. लेकिन हाइड्रोजन को सबसे अलग रखा हुआ है. हाइड्रोजन को अभी तक किसी ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड में क्यों नहीं रखा गया, आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूंगी कि आपको डिटेल इतनी आसानी से बताऊं ताकि आपको अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट समझ आएँ. हाइड्रोजन को क्यों नहीं रखा गया ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक्स में? तो सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं कि ऐसी क्या वजह है जो हाइड्रोजन को किसी ग्रुप में नहीं रखा गया. ना उसको पीरियड मिला, ना ग्रुप मिला और ना ही ब्लॉक मिला. सो फ्रेंड्स, हाइड्रोजन, व्हाट इज़ हाइड्रोजन? हाइड्रोजन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं. हाइड्रोजन क्या है? ये फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का और इसको डिस्कवर्ड किया था कैवेंडिश ने 1766 में, जिसको हम इन्फ्लेमेबल गैस भी कहते हैं. और ये गैस क्या है? ये प्रोड्यूस करती है वाटर विथ ऑक्सीजन. फिर 1781 में कैवेंडिश ने हाइड्रोजन को क्या बोला? ये क्या है? वाटर प्रोड्यूसिंग गैस है. फिर 1783 में लुवाइजर ने क्या किया? इसको नाम दिया हाइड्रोजन का. और हाइड्रोजन क्या है? लैटिन वर्ड है, मतलब कि लैटिन नेम है इसका. तो हाइड्रो मींस क्या होता है? हाइड्रो मींस होता है वाटर और जिन मींस होता है प्रोड्यूसर. सो फ्रेंड, मैं इसकी डेफिनेशन इंट्रोडक्शन डिक्टेट करवा रही हूँ, आप लोग अपनी नोटबुक या उसमें राइट डाउन करें. लिखे, हाइड्रोजन इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल. इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश इन 1766 एंड नेम एज इनफ्लेमेबल गैस. दीज गैस प्रोड्यूस वाटर विथ ऑक्सीजन. हिंस इन 1781 कैवेंडिश नेम इट वॉज वाटर प्रोड्यूसिंग गैस. इन 1783 लुवाइजर गैव द नेम ऑफ दीज गैस हाइड्रोजन विथ विच इज लैटिन वर्ड. लैटिन वर्ड है हाइड्रो, मीन्स होता है हाइड्रो मीन्स होता है वाटर और जीन मीन्स होता है प्रोड्यूसर. कैवेंडिश प्रिपेयर्ड इट बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड विद जिंक. आई होप कि आपने हाइड्रोजन के इंट्रोडक्शन राइट डाउन कर लिया होगा. सो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं हाइड्रोजन को किसी ग्रुप में क्यों नहीं रखा गया, ऐसी क्या सिमिलरिटीज़ थी जो हाइड्रोजन को रख सकते थे और ऐसी क्या डिफरेंस था, क्या डिससिमिलरिटीज़ थी जिसकी बुनियाद पर इसको हाइड्रोजन को नहीं रखा गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर. पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल. पोजीशन क्या है हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल में? फर्स्ट वी डिस्कस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन ग्रुप 1A ऑफ द पीरियोडिक टेबल. हाइड्रोजन की ऐसी क्या सिमिलरिटीज़ है जिसकी बुनियाद पर हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप 1A में हाइड्रोजन को रख सकते हैं. सो फ्रेंड्स, अब हमने क्या कहा, ग्रुप 1A को बोला कि हाइड्रोजन को थोड़ी सी जगह दे दो, उसको ब्लॉक और पीरियड और ग्रुप में रख लो. तो अब जो ग्रुप 1A वाला है ना, ग्रुप 1A वाले बोलते हैं कि आप ऐसी क्या वजह है जिससे हम हाइड्रोजन को अपने मतलब के ग्रुप के अंदर रख लें. तो फ्रेंड्स, सिमिलरिटीज़ क्या है हाइड्रोजन के अंदर? हाइड्रोजन रिजेंबल विथ अल्कलाई मेटल्स बिकॉज इट कंटेन वन इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल.
सो फ्रेंड्स फर्स्ट में क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट सिमिलरिटीज़ क्या है, अल्कली मेटल रिजेंबल करता है क्योंकि ग्रुप 1A के जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी अल्कली मेटल होते हैं और इनके भी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे कि हाइड्रोजन के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और वो भी क्या है, इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर। और जो फर्स्ट ए के ग्रुप फर्स्ट ए में जो हैं लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंजियम, इन सब के अभी आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है, वन इलेक्ट्रॉन होता है। फर्स्ट सिमिलरिटी तो ये थी। फिर इट फॉर्म कंपाउंड विथ नॉन मेटल लाइक HCl एंड विच इज सिमिलर विथ KCl NaCl etc। अब क्या कह रहे हैं, हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है, नॉन मेटल होता है। इनके साथ जो बॉन्डिंग बनती है, मतलब कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जैसे कि HCl बनता है, HCl आयन बनता है, जैसे एक नॉन मेटल के साथ मेटल जाके जुड़ता है, जैसे एक नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन जाकर जुड़ता है, ये भी क्या है, मिलती जुलती है। अब हमें पता चला कि दूसरी सिमिलरिटीज़ क्या है, हाइड्रोजन जो होता है वो नॉन मेटल के साथ क्या करता है, जुड़ता है। पहले क्या है, हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है, नॉन मेटल होता है। इनके साथ जो बॉन्डिंग बनती है, मतलब के सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जैसे HCl हमारे पास है, HCl आयन बनता है, ठीक है ना। एक नॉन मेटल के साथ मेटल आकर जुड़ जाता है, जैसे कि एक नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन जाकर जुड़ता है, ये भी क्या है, मिलती जुलती प्रॉपर्टी है। अब क्या है, थर्ड हमारे पास है, आफ्टर लूसिंग वन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म H प्लस आइन लाइक Na मतलब सोडियम प्लस आइन, के पोटेशियम प्लस आइन EDC। सो फ्रेंड्स अब थर्ड में क्या बोल रहा है कि अगर हम HCl को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो फिर क्या होगा, क्लोरीन इसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को लेकर चले जाएगा और फिर पीछे जो आयन बचता है वो H प्लस आयन बचता है। हमने कहा एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद हाइड्रोजन जो आयन बनाता है वो H प्लस आयन बनाता है, इसी तरह सोडियम प्लस आयन और पोटेशियम प्लस आयन भी बनता है। सो फ्रेंड्स अब क्या थी, तीन सिमिलरिटीज़ थी हाइड्रोजन की जो कि रिजेंबल करती थी ग्रुप 1A से। तो अब इन्होंने क्या, ग्रुप 1A ने क्या कहा कि चलो अब तो तुमने सिमिलरिटीज़ हमें बता दी, अब आप हमें बताओ कि डिसिमिलरिटीज़ क्या हैं जिसकी बुनियाद पे हम ना रखें। तो अब हम डिस्कस करते हैं डिसिमिलरिटीज़, मतलब के डिफरेंस विद अल्कली मेटल। अल्कली मेटल से क्या डिफरेंस है, के साथ क्या डिफरेंस है। तो अब क्या है, फर्स्ट हमारे पास है, हाइड्रोजन इज़ गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर वेयर एज द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1A आर सॉलिड। हाइड्रोजन ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे क्या है, गैस है, लेकिन क्या है, ग्रुप 1A के क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। सेकंड सिमिलरिटीज़ क्या है, हाइड्रोजन इज नॉन मेटल वेयर एज द एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए आर मेटल। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है और ग्रुप 1A के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, मेटल्स हैं, इस बुनियाद पे भी नहीं रख सकते हम फर्स्ट ए ग्रुप में। फिर क्या होता है, H प्लस आयन डू नॉट एक्सिस्ट इन फ्री स्टेट लाइक सोडियम प्लस आयन, बिकॉज H प्लस आयन रिएक्ट विथ H2O मॉलिक्यूल टू फॉर्म H3O प्लस आयन। थर्ड डिस सिमिलरिटीज़ क्या है, H प्लस आयन क्या होता है, वो फ्री स्टेट में मौजूद नहीं होता, हमें फ्री स्टेट में नहीं मिलता, लेकिन जो ग्रुप 1A के जो एलिमेंट्स हैं सोडियम प्लस आयन वो क्या होते हैं, वो हमें फ्री स्टेट में मिलते हैं, क्योंकि H प्लस आयन रिएक्ट करता है वाटर से H2O मॉलिक्यूल से और बनाता है H3O प्लस आयन। सो फ्रेंड्स ये तो थी डिसिमिलरिटीज़ और सिमिलरिटीज़। अब हमें पता चला कि ग्रुप 1A की सिमिलरिटीज़ क्या थी और डिसिमिलरिटीज़ क्या थी। अब ग्रुप A वालों ने तो हाइड्रोजन को निकाल दिया, अब हम ग्रुप 4A के पास चलते हैं। ग्रुप 1A वालों ने क्या कहा, भाई हमें तो सारी सिमिलरिटीज़ चाहिए तो हम हाइड्रोजन को रख लेंगे, लेकिन हाइड्रोजन की क्या थी, डिसिमिलरिटीज़ भी थी, जिसकी बुनियाद पर ग्रुप 1A वालों ने कहा कि भाई तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है हमारे पास, चलो अब हम मेहमान बन के चलते हैं कि ग्रुप 4A वाले हमें रखते हैं या नहीं रखते।
आप सोचें कि ग्रुप फोर्थ ए वाले रखेंगे या नहीं रखेंगे। चले हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं, क्या पता रख भी लें। अब हमारे पास है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन ग्रुप फोर्थ ए ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ग्रुप फोर्थ ए में हाइड्रोजन की क्या पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में। सो फ्रेंड्स, पहले अब ग्रुप फोर्थ ए वाले के पास हम गए और हमने कहा कि भाई हाइड्रोजन को जगह दे दो और इसको ग्रुप पीरियड और ब्लॉक के अंदर ऐड कर लो, अपने ग्रुप में ऐड कर लो। तो भाई अब ग्रुप फोर्थ ए वालों ने कहा तो आप हमें सिमिलरिटीज़ बता दो कि हमारे से मिलती जुलती सिमिलरिटीज़ हैं और डिसिमिलरिटीज़ नहीं है तो हम रख लेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं, अब ग्रुप फोर्थ ए वालों को हाइड्रोजन की सिमिलरिटीज़ बताते हैं ताकि वो उनको पता चले कि भाई इसके पास सिमिलरिटीज़ भी हैं। सो फ्रेंड्स, सिमिलरिटीज़, द वैलेंस शेल ऑफ हाइड्रोजन इज़ हाफ फिल्ड लाइक एलिमेंट ऑफ ग्रुप फोर्थ ए ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सो फ्रेंड्स, अब ग्रुप वन ए ग्रुप फोर्थ ए वालों को हमने एक सिमिलरिटी बताई कि हमने कहा कि हाइड्रोजन जो है वो क्या है, हाफ फील्ड है। इस जिसका मतलब है कि ग्रुप फोर्थ ए वाले भी क्या होते हैं, हाफ फील्ड होते हैं। ग्रुप फोर्थ ए वाले हों, सब के जो वैलेंस शेल उसके आउटर मोस्ट शेल में चार चार इलेक्ट्रॉन हैं। ग्रुप फोर्थ ए का मतलब यानी आउटर मोस्ट शेल पर चार चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैसे तो एट इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसका मतलब है फोर्थ में भी हाफ फील्ड है। अब हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब अब हमें पता है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन क्या है, हाफ फील्ड है। ठीक है ना, हाफ फील्ड है। इसी तरह ग्रुप फोर्थ ए वाले के जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, हाफ फील्ड होते हैं। इनकी जो वैलेंसी होती है आउटर मोस्ट शेल में चार चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये सिमिलरिटीज़ तो मिलती जुलती है। चलें, वो कह रहे चलो ठीक है। और अब ग्रुप फोर्थ ए वालों ने कहा कि और बताएं। अब सेकंड हमारे पास है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज सिमिलर विथ कार्बन एंड मैनी फैमिलीज मेंबर्स ऑफ ग्रुप फोर्थ ए। सो फ्रेंड्स, आयोनाइजेशन आउटर मोस्ट शेल के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, करीब करीब कार्बन की भी वैल्यू वही होती है। करीब करीब क्या होती है, सिमिलर होती है। और ग्रुप फोर्थ ए वालों की भी जो भी ग्रुप फोर्थ ए वाले के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी भी जो वैल्यूज़ होती हैं वो भी क्या होती हैं, मिलती जुलती होती है, सिमिलर होती हैं। और हाइड्रोजन से कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, सिमिलर होती है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज सिमिलर विथ कार्बन। आयोनाइजेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन की जो सिमिलर, हाइड्रोजन क्या है, सिमिलर है विथ कार्बन की तरह। मैनी फैमिलीज मेंबर ऑफ ग्रुप फोर्थ ए, इसी तरह जो और भी मेम्बर्स हैं वो भी क्या हैं, मिलते जुलते हैं। ये तो हो गई सेकंड। अब क्या है थर्ड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हाइड्रोजन ए सिमिलरिटी। सो फ्रेंड्स, अब क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो होती है जिसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन दाखिल करते हैं और उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। अब क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के हाइड्रोजन की वैल्यू है ना वो क्या है, कार्बन से सिमिलर है, मतलब कि कार्बन के आसपास है। ग्रुप फोर्थ ए वाले हैं उनकी भी वैल्यू एस आसपास होती है। तो क्या है, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हाइड्रोजन इज सिमिलरिटीज। अब ये भी क्या है, सिमिलरिटी है हाइड्रोजन में। चलो अब इसने मान तो लिया कि चलो हम रख लेते हैं ग्रुप फोर्थ ए। अब हमें ये बताओ कि इसकी कोई डिसिमिलरिटी है या नहीं है, अगर नहीं है तो हम रख लेंगे। अब हम इसकी बात करते हैं डिफरेंस की, कि इसमें क्या डिफरेंस है ग्रुप मतलब कि कार्बन फैमिली से। फोर्थ ए ग्रुप को हम कार्बन फैमिली का भी नाम देते हैं और फर्स्ट ए को हम किसका नाम देते हैं, अल्कली मेटल्स का नाम देते हैं। अब डिफरेंस, अब क्या कह रहा है कि द वैलेंस शेल ऑफ हाइड्रोजन कंटेन ओनली एस ऑर्बिट, सही है ना, वेयर एज द एलिमेंट ऑफ ग्रुप फोर्थ ए कंटेन एस एंड पी ऑर्बिट। सो फ्रेंड्स, क्या कह रहे हैं कि द वैलेंस शेल ऑफ हाइड्रोजन कंटेन ओनली एस ऑर्बिट। हाइड्रोजन जो है ना, वैलेंस शेल क्या कंटेन करता है, सिर्फ एस ऑर्बिट कंटेन करता है। वेयर इज द एलिमेंट ऑफ ग्रुप फोर्थ ए, ग्रुप फोर्थ ए के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या कंटेन करते हैं, कौन सा वैलेंस शेल, एस और पी ऑर्बिट भी कंटेन करते हैं। ये क्या हो गई, ये डिसिमिलरिटी हो गई। अब क्या कह रहे हैं कि हाइड्रोजन इज अ गैस वेयर एज द मैनी मेंबर ऑफ ग्रुप फोर्थ ए आर सॉलिड। अब कह रहे हैं कि हाइड्रोजन क्या है, गैस है,
लेकिन जो ग्रुप फोर्थ ए वाले मैनी मेंबर्स ऑफ ग्रुप फोर्थ ए वाले आर सॉलिड. ग्रुप फोर्थ ए वाले क्या हैं? सॉलिड हैं. चलो भाई, ये तो एक और डिसिमिलरिटी आ गई. अब हम थर्ड की बात करते हैं. अच्छा तो भाई, अब हमें पता चला कि भाई दो से डिसिमिलरिटी निकल गई. अब हम एक और डिस्कस करते हैं भाई. एक और भी है, हाइड्रोजन शोज मोनोवैलेंसी वेयर एज द मेंबर ऑफ ग्रुप फोर्थ ए शो टेट्रावैलेंसी. अब क्या हुआ, हाइड्रोजन क्या है, उसके पास क्या होती है, मोनोवैलेंसी होती है, लेकिन ग्रुप फोर्थ ए वाले के पास क्या होती है, टेट्रावैलेंसी होती है. क्योंकि क्या, आउटर मोस्ट शेल में जो हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब कि उसका हाफ फील्ड तो होता है लेकिन एक इलेक्ट्रॉन होता है. लेकिन ग्रुप फोर्थ ए वाले के पास क्या होते हैं, चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी हाफ फील्ड होते हैं. लेकिन ग्रुप फोर्थ ए वालों को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, आठ इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं. तो ये क्या है, टेट्रावैलेंसी है. सो फ्रेंड्स, अब क्या हुआ, ग्रुप फोर्थ ए वालों ने कहा कि भाई इसके पास डिसिमिलरिटीज़ हैं, इसके पास सिमिलरिटीज़ तो हैं, लेकिन हमें तो कंप्लीट सिमिलरिटीज़ चाहिए थे, डिसिमिलरिटीज़ तो हमें चाहिए नहीं थी, इसके पास डिसिमिलरिटीज़ हैं. अब क्या करते हैं, ग्रुप फोर्थ ए वाले उसको मार के भगा देते हैं. भाई तू जा, तेरा कोई काम नहीं है. चलो, अब वो रोता हुआ चले जाता है. चलो भाई, इसने तो अब हमें भगा दिया. हाइड्रोजन ने कहा भाई अब तो मैं कहाँ जाऊँ. चलो अब हम जाते हैं 7A ग्रुप, ग्रुप 7A से बात करते हैं. क्या पता ग्रुप 7A वाला हमें रख ले. तो थर्ड हमारे पास है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन ग्रुप 7A ऑफ द पीरियोडिक टेबल. ग्रुप 7A की जो पोजीशन, हाइड्रोजन की क्या पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में. अब हम गए ग्रुप 7A के पास. ग्रुप 7A को बोला कि भाई, हाइड्रोजन ने कहा कि भाई मुझे रख लो, मेरे को ना ग्रुप फर्स्ट ए वाले ने भी भगा दिया और ग्रुप फोर्थ ए वाले ने भी भगा दिया, अब आप तो रख लो. अब ग्रुप फोर्थ ए 7A वाले ने कहा कि चलो हम रख लेते हैं, पहले तुम हमें सिमिलरिटीज़ बताओ कि हमसे मिलती जुलती सिमिलरिटीज़ हैं तो हम रखेंगे, वरना हम नहीं रखेंगे. तो अब उसने क्या करा, हाइड्रोजन ने बताना शुरू किया. इसने कहा कि हाइड्रोजन इज़ अ गैस. हाइड्रोजन क्या है, गैस है, लाइक द एलिमेंट ऑफ ग्रुप फोर्थ ए, सॉरी 7A ऑफ द पीरियोडिक टेबल. हाइड्रोजन क्या है, गैस है, जैसे कि 7A ग्रुप 7A वाले जो हैं वो भी क्या हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो भी गैस हैं. चलो, उसने कहा चलो एक सिमिलरिटीज़ है. फिर हाइड्रोजन इज़ नॉन मेटल लाइक द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 7A ऑफ द पीरियोडिक टेबल. सो फ्रेंड्स, अब हमें पता चला, उसने कहा चलें ठीक है. और फिर हाइड्रोजन इज़ नॉन मेटल लाइक द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 7A ऑफ द पीरियोडिक टेबल. हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, जैसे कि ग्रुप 7A के भी क्या हैं एलिमेंट्स, वो भी नॉन मेटल हैं. चलो ग्रुप ए वालों, ग्रुप 7A वालों ने कहा अच्छा चलो ठीक है. और फिर ग्रुप फिर कह रहे हैं थर्ड है हमारे पास, हाइड्रोजन अकर इन डाई एटॉमिक फॉर्म H2 लाइक Cl2 Br2 etc. फिर क्या है, हाइड्रोजन क्या है, डाई एटॉमिक फॉर्म बनाता है, मतलब कि डाई एटॉमिक फॉर्म में होता है. जैसे कि ग्रुप 7A वाले भी, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन भी क्या होते हैं, डाई एटॉमिक फॉर्म में मौजूद होते हैं. इसने फिर ग्रुप 7A वाले का क्या हुआ, माइंड बन गया कि चलो यार रख लेते हैं. लेकिन जब ग्रुप 7A वाले ने कहा कि तुम्हारे अंदर कोई डिसिमिलरिटी है, मतलब तुम्हारे अंदर हमारे से कोई डिफरेंस है, तो ग्रुप हाइड्रोजन ने कहा हाँ हैगी. तो फिर उसने कहा, उसने ग्रुप 7A वाले ने कहा अच्छा चलो मुझे बताओ कि क्या डिसिमिलरिटीज़ हैं आपके अंदर, क्या डिफरेंस है. तो फिर क्या हुआ, हाइड्रोजन ने कहा चले मैं बताता हूँ. डिफरेंस बताया, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट है हमारे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज लेस देन द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 7A ऑफ द पीरियोडिक टेबल. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, लेस होती है ग्रुप 7A वाले एलिमेंट्स से इन द पीरियोडिक टेबल के अंदर, ऑफ द पीरियोडिक टेबल में. इसने कहा चलो ये एक डिसिमिलरिटी हो गई. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हाइड्रोजन इज लेस देन द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 7A ऑफ द पीरियोडिक टेबल. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है हाइड्रोजन की, वो क्या होती है, लेस होती है देन द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 7A. ग्रुप 7A वालों से क्या होती है, लेस होती है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. अच्छा फिर हाइड्रोजन, फिर थर्ड हमारे पास है, हाइड्रोजन इज नॉट कैपेबल टू फॉर्म H- ion इन वाटर लाइक क्लोरीन- ion एंड फ्लोरीन ion.
अब हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन इज नॉट कैपेबल टू फॉर्म, हाइड्रोजन क्या करता है, एच माइनस आइन नहीं बनाता, नहीं बना सकता इन वाटर पानी के अंदर, जैसे कि ग्रुप 7A वाले बनाते हैं, जैसे क्लोरीन आइन बनाता है माइनस में और फ्लोरीन आइन। सो फ्रेंड्स, अब उसने कहा कि ये डिसिमिलरिटीज़ हैं, तो ग्रुप 7A वालों ने भी क्या कहा, हाइड्रोजन को भगा दिया कि भाई तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है और तुम्हारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमसे मिलती जुलती नहीं है। अब क्या हुआ, आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ आ रही होगी। हाइड्रोजन की बेचारे हाइड्रोजन के साथ बहुत जुल्म हुआ है। अब ग्रुप 1A वालों ने और ग्रुप 4A वालों ने और ग्रुप 7A वालों ने भगा दिया। अब क्या करेगा, हाइड्रोजन ने क्या कहा, चलो भाई मैं जहाँ से आया हूँ मैं वहीं जा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, हाइड्रोजन ने क्या हुआ, हाइड्रोजन अपने मतलब कि अपने घर वापस आ गया, कि उसका भाई उसका कोई घर ही नहीं है। उसने कहा कि चलो भाई मैं दोबारा से जहाँ से आया हूँ मैं वहीं चले जाता हूँ, कोई भी मेरे को कबूल नहीं कर रहा। सो फ्रेंड्स, आज हमने क्या किया है, हाइड्रोजन की इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया, हाइड्रोजन को सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ डिस्कस की कि भाई किस बुनियाद पे रखा जा सकता था और किस बुनियाद पे नहीं रखा जा सकता था। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो हाइड्रोजन है इसकी स्टोरी अच्छे से समझ आई होगी। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया है, पसंद आया है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरा लेक्चर आपको कैसा लगा, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो और स्टूडेंट्स हैं उनको भी हाइड्रोजन की स्टोरी अच्छे से समझ आए और उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हों, फिर हम ताकि उनको टेस्ट के अंदर, पेपर के अंदर, एग्ज़ाम के अंदर क्या हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। सो फ्रेंड्स, आज हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया, जैसे मैंने अपने लिखकर और एक्सप्लेन करके समझाया, इसी तरह अगर आप बोर्ड में लिखकर आएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आज तक के लिए इतना ही, जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।